नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं हूं निष्ठा, शुरुआत हेडलाइन के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। सब पढ़ने सबके खबर के साथ मैं एनके सिंह पहुंचा हूं वार्ड नंबर 3 में। जैसे कि आप सभी को पता है, नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी प्रत्याशी मैदान में कूद चुके हैं। आइए हमारे साथ जुड़े वार्ड नंबर 3 से समाजवादी प्रत्याशी देवेंद्र कुमार जी, बात करते हैं इनसे किन चुनावी मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। इससे पहले समाज सेवी रहे हैं और इन्होंने समाज सेवा की है, लेकिन अब चुनाव में उतरे हैं, क्या इनका मुद्दा है जानते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो मेरा यही मानना है कि जो हमारे, जैसे कि हमारे मोहल्ले में शिविर नहीं है जी, ठीक है, और कूड़ा करकट की इतनी गंदगी भरी पड़ी रहती है, नाली की साफ सफाई नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो क्षेत्र है उसमें अच्छा विकास हो, साफ सफाई हो, उसमें शिविर यहाँ पे काफ़ी टाइम से नहीं लगी, और हम चाहते हैं कि हमारी कोशिश है अगर हमारी पार्टी यहाँ से जीत के आती है तो हम यहाँ शिविर डलवाने का। देवेंद्र जी, मैंने आपको देखा है पहले भी, जो इससे पहले BSP कार्यकर्ता रहे हैं, आप उनके पीछे थे, लेकिन आपने आपके इस बार उनका साथ छोड़ा है और आप अपने आप पार्टी में कूदे, तो इसका क्या रीजन है? मेरा मानना है जो पार्टी सही काम करे और उनकी नीति सही हो तो हमें उनका साथ देना चाहिए, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी एक उभरती हुई पार्टी है और जो इस बार 2024 में भी और निकाय चुनाव में भी जीतने का काम करेगी। जैसे कि वार्ड नंबर 3 में मैंने देखा है सफाई को लेके बहुत बुरा हाल है, लाइटों का बुरा हाल है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये समस्याएं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, गंदगी ढेर लगे पड़े हैं, ये देखो मेरे पीछे भी ढेर लगा पड़ा है, और हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले की बिल्कुल साफ सफाई हो, और यहाँ पे पहली प्राथमिकता तो यह है कि हमारे यहाँ पे सिविल लाइन है, जिससे जल भरा हो जाता है, सिविल डलेगी तो मच्छर पैदा होंगे, बीमारियां फैलेंगी, तो उस चीज को हम दूर करने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है। देवेंद्र जी, मैंने देखा है कि शिक्षा को लेकर यहाँ पे इतना बड़ा रुझान नहीं है, शिक्षा को लेकर ना कोई यहाँ पे कोचिंग सेंटर, ना कोई स्कूल का, बच्चे जाते हैं, तो उस बारे में आपको क्या कहना चाहेंगे? अगर हमारी हमारी पार्टी जीत के आती है तो हम ये सब कुछ करने का काम करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड वासियों को एक ही बात कहूंगा कि वो एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को जिताएं और विकास कराएं। देवेंद्र जी, मेरा एक सवाल आपसे यह है, विकास कराए विकास कराए, हर पार्टी कहती है विकास कराए विकास कराए, और जब जीत जाते हैं तो विकास कहीं पर धरातल पर नहीं मौजूद होता, तो अगर आप जीत गए तो क्या ऐसा ही होगा या नहीं? पहले तो मैं किसी पार्टी में नहीं था, ठीक है जी, जब मुझे लगा 10 साल 5 साल से कोई विकास ही नहीं हो रहा, ठीक है, जो हमारे पार्षद पहले जीते वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो इस काम का बीड़ा मैंने उठाया कि मैं अपने मोहल्ले की पूरी की पूरी चमका के रख दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर।